अगर आपका बच्चा भी मोबाइल पर गेम ज्यादा खेलता है तो अब आप अपने बच्चे पर खास ध्यान दीजिए। दरअसल कानपुर के नवाबगंज निवासी चंद्रशेखर के खाते से 20 दिनों में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक ही खाते में हुआ। जब युवक ने जानकारी की तो पता चला कि उसके बेटे ने ये पैसा ट्रांसफर किया है। बेटे ने बताया कि वो मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था जो 2 स्टेज के बाद लॉक हो गया। लॉक खुलवाने के लिए बेटे ने यूट्यूब से एक नंबर निकाला जिसने गेम अनलॉक करने के नाम पर पहले 750 रुपए लिए, फिर धीरे धीरे 20 दिनों में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। बेटे से जानकारी लेकर पिता ने कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शिकायत पत्र मिलने पर मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जिस खाते में पैसा गया है उसे फ्रीज करा दिया गया है। जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। क्रिश पटेल, क्रिश, अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा गेम था जिसके गेम के वजह से आज आप परेशान हैं? फ्री फायर। क्या हुआ था? वही गेम के चक्कर में उसको मैंने पैसे दिए, फिर बाद में पैसे वापस करने के चक्कर में पैसे लेते गया, लेकिन आज तक दिया नहीं उसने कभी। और अब हम लोग को धमकी दे रहा है कि कंप्लेन वापस ले लो वरना मैं कुछ कर लूंगा। पहले कभी तो कह रहा था, कुछ दिनों पहले कह रहा था मैं सुसाइड कर लूंगा, कह रहा मैं सुसाइड कर लूंगा, तुम जो करना है तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हें जो करना है करो। तो उसे दूसरे दिन कह रहा है कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, तो मैं तुम्हें पैसे, कभी पहले कह रहा था मैं नहीं दूंगा, फिर कह रहा मैं थोड़ा दूंगा, फिर कल परसों कह रहा मैं आधा पैसे दे दूंगा, तुम कंप्लेन वापस लेके मुझे प्रूफ दे दो तो मैं पैसे वापस दे दूंगा। करीब कितने रुपए अभी तक आपसे लिए जा चुके हैं? 5 लाख रुपए ले चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो गेम को आपको अनलॉक करने, कहां से आपने नंबर निकाला था? यूट्यूब से। क्या हुआ था गेम में जो आपने लिखा? बैन हो गया था। अच्छा कितने दिन में ये पैसा पूरा आपने ट्रांजेक्ट किया? 20 डेज। तो क्या आपने जो पैसा ट्रांजेक्शन किया तो घर में किसी को बताया आपने कि नहीं बताया, कैसे ये सब जो प्रक्रिया शुरुआत हुई है, जरा शुरू से आप बताइए कैसे क्या हुआ? शुरुआत में 750 लेता गया, धीरे धीरे पैसे लिए, फिर मैंने कहा पैसे वापस कर दो, तो फिर उसने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरे में थोड़े पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऐसे कैसे धीरे धीरे वो पैसे लेता गया, फिर कहता मैं इतने दिन में थोड़ा दे दो फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, फिर कभी कहता है मेरे में जा ही नहीं रहा है, फिर 2-3 बार करवाता गया लेकिन सब, फिर कभी कहता है मेरे में जा नहीं रहा, कभी कह रहा मैं दे नहीं पा रहा, कभी सर्वर डाउन हो रहा है, ऐसा सब बताता था। मतलब अच्छा आपसे उसने पहले पैसे मांगे कि आपका गेम अनलॉक कर दूंगा, उसके बाद जब आपने पैसे वापस मांगे तो ये बहाना बताता है कि नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, सर्वर डाउन है, अमाउंट कम है, ये सब बताने लगा। अच्छा ये बताइए कि क्या मानते हैं कि ये गेम को अनलॉक करने का जुनून जो है वो आपके लिए किस तरीके से, क्या मानते हैं आप? गलत किया मैंने? नहीं गलत आपने नहीं किया, लेकिन आप और लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे, और बच्चे हैं उनको क्या सीख देना चाहेंगे? मतलब कि गेम खेलना थोड़ा खेलो, लेकिन मतलब कि ज्यादा एडिक्ट ना बनो गेम। घटना संज्ञान में आई है और इसको क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर करके इस पर कार्रवाई शुरू की है, अकाउंट्स हमने बंद करवा दिए हैं। गंभीर विषय है, कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, कर रही है, लेकिन अभिभावक भी इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हम इसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कर पाने में सफल रहेंगे। क्या मैसेज होना चाहिए कि जो अभिभावक हैं वो मोबाइल पे ध्यान रखें, क्योंकि नहीं देखिए वो सबकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में जो कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है उसको सोच समझ करके ध्यान से करें। और हम लोगों ने थानों में साइबर साक्षी की नियुक्ति की है, जिसका मेन कंसर्न है कि हम सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें। तो हमारी तरफ से जो कुछ भी किया जाना है वो हम करेंगे, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो करे। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुँचा सके हम सबसे पहले।